इंक्लूसिव एजुकेशन जो है कि पूरा सभी बच्चों को एक ही साथ, चाहे वो स्पेशल नीड वाले बच्चों हो, चाहे वो डिसे आपको चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बोलते हैं, बेहतर होता जा रहा है सर। टीचर्स टाइम में नहीं जाते हैं, शिक्षक एकदम केयरलेस हो गए हैं अभी। सो राजेश शर्मा, हाउ आर यू? फाइन सर। सो आप कहाँ से हैं? जी जयगांव बुलंद चौपत्ती। जयगांव तो भूटान का भी नज़दीक है, बॉर्डर एरिया ही हो गया। हाँ जी। और आपने हिंदी मीडियम स्कूल के लिए अप्लाई किया है? हाँ जी सर। सो आपने अकाउंटेंसी किया है ना? हाँ जी सर। थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। जी मेरा नाम राजेश शर्मा है, मैं बुलंद चौपत्ती तुसाटी गार्डन निवासी हूँ। मैंने अपना जो सेकेंडरी शिक्षा है वो कालिम्पोंग एसयूएमआई से किया है, उसमें नेपाली था फर्स्ट लैंग्वेज। उसके बाद वहाँ छोड़ के फिर आफ्टर ये सेकेंडरी के बाद हायर सेकेंडरी जो शिक्षा हुआ मेरा जयगो में ही हुआ, सेंट एंथोनी स्कूल में। वहाँ पे हिंदी था सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही था। और उसके बाद अकाउंटेंसी में ही, कॉमर्स में ही एडमिशन मिला। उसके बाद बीरपड़ा कॉलेज में अकाउंटेंसी ऑनर्स से बी कॉम ग्रेजुएशन हुआ है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करते वक्त मैं टीचिंग लाइन में भी थोड़ा इन्वॉल्व हो गया। जयगांव सरस्वती विद्या मंदिर गांव में एक स्कूल है जो आरएसएस के माध्यम से चलता है, उसी स्कूल में 2011 से मैं वहां पे एज अ टीचर अपॉइंट हुआ था। 2020-21 तक मैं वहां पे एज अ शिक्षक काम। तो आपने लगभग 10 सालों का आपका अनुभव है इस स्कूल में पढ़ाने से, तो आप कौन से क्लास को टीच करते थे? मैं विशेषतः मैं 5 से ऊपर, 5 से लेकर 10 तक। 5 से लेकर 10 तक। और किस विषय को आप टीच करते थे? मैथ्स को और फिर ज्योग्राफी थोड़ा बहुत कर लेता था। ओके। सो आपका तो बैकग्राउंड अकाउंटेंसी है, मेरा भी बैकग्राउंड अकाउंटेंसी है, तो थोड़ा दो चार सवाल हो जाए आपसे लेने के लिए कि यू नो जो कैश बुक होता है और जो बैंक का पासबुक होता है, कभी कभी इन दोनों का जो अकाउंट है वो टैली नहीं होता, तो इन्हें टैली करने के लिए हम एक अलग एक अकाउंट तैयार करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक अलग खाता बनाया जाता है जो बैंक और बैंक कैश बुक जो बिजनेसमैन के पास होता है और बैंक के पास बैंक का पासबुक होता है, दोनों को टैली करने के लिए, मिलान करने के लिए हम एक अलग स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उसे नाम क्या है? एक्चुअली जो अकाउंटेंसी का जो कैश बुक है, कैश बुक छोड़ के हम एक लेजर बुक बनाते हैं, वो तो अपनी हेल्प के लिए हो गया लेजर बुक, बैंक से टैली नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से बैंक स्टेटमेंट से टैली करने के लिए आपको चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बोलते हैं, उसे हम लोग BRS कहते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हम इसे बनाते हैं ताकि कैश बुक और बैंक के पासबुक को मिलान किया जा सके, है कि नहीं? और जो अकाउंट टैली नहीं होता उसे सस्पेंस अकाउंट में रखा जाता है, सस्पेंस अकाउंट में रखा है ना। सो बैलेंस शीट के दो पहलू होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दो साइड में क्या क्या होते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्या ये दोनों मैच होने चाहिए? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मैच होने चाहिए, तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ओके। आपने हिंदी मीडियम के लिए अप्लाई किया है, बहुत अच्छी बात है, और आपने इस साल 97 स्कोर किया है एज पर ऑफिशियल आंसर की, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। और आपकी कैटेगरी क्या है? ST? जनरल। अच्छा जनरल से है, जनरल से आपने, बहुत अच्छी बात है। सो DLED आपने 2019 में आपने कम्प्लीट करा है? 2019 में। सो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में क्या लगता है? इंक्लूसिव एजुकेशन बोलने से, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है कि पूरा सभी बच्चों को एक ही साथ, चाहे वो स्पेशल नीड वाले बच्चों हो, चाहे वो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हो, सभी बच्चों को एक ही साथ रख के इंक्लूड करके एक ही क्लास में उनको भी सामान्य बच्चों जैसा एक मौका देना है क्लास में, उसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। सो आपने तो, चूंकि आपका बैकग्राउंड अकाउंटेंसी है और आपने काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस भी है आपको, लेकिन आपका बैकग्राउंड चूंकि अकाउंटेंसी है, तो आप प्राइमरी स्कूल की जॉब ही क्यों करना चाहते हैं? आपके पास और भी ऑप्शंस है? ऑप्शंस है मेरे पास, लेकिन अभी हमारे क्षेत्र में जो प्राइमरी स्कूल है जी, वो हालत एकदम बद से बदतर होता जा रहा है सर। ओके। टीचर्स टाइम में नहीं जाते हैं, शिक्षक एकदम केयरलेस हो गए हैं अभी। ज़्यादातर क्या है कि शिक्षकों को बाहर काम में लगा दिया जाता है, तो टाइम में नहीं पहुंच पाते। और ज़्यादातर हमारे गांव में हम देखने को मिलते हैं कि जो शिक्षक है वो लेट से स्कूल जाते हैं, अब ये उनका है या फिर सिस्टम, ये सब गलती हो रहा है। और बच्चे भी उतना इंटरेस्टेड नहीं है प्राइमरी स्कूल में जाने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल में जाने के लिए ज़्यादातर प्रीफर करते हैं प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए।
क्योंकि वहाँ पे अभी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, अच्छा मिलता है। और दूसरा बात है कि ये जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में सबसे ज़्यादा फैसिलिटी जो होता है वो इंग्लिश मीडियम से मिलता है, बच्चों को इंग्लिश बोलना, इंग्लिश बढ़ाना, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में ये सब होता ही नहीं है इंग्लिश बोलने से। एक्चुअली हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी है वो भी चाहती है कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाए, लेकिन साथ साथ ऐसा एजुकेशन दे कि कम से कम आसपास के जो अभिभावक रहते हैं कम से कम उनको लगे कि हाँ स्कूल में कम से कम बच्चे इंग्लिश में थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे हमारे बच्चे यहाँ जाके कम से कम एजुकेशन ले पाए। तो एज अ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू जो गलत हो रहा है उसको आप ठीक करने के लिए आप चाहते हैं कि आप टीचिंग करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहेंगे, सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल? हम तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना चाहेंगे। तो आपको तो पता है कि सरकारी स्कूल की हालत इस वक्त आपने कहा खराब है, तो आप ऐसे ये रीज़न क्यों? इसलिए कि हम अगर हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो हम बच्चों का जो डेली रिकॉर्ड होता है, क्या पढ़ाई हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होमवर्क जा रहे, वो हम ट्रैक कर पाएंगे अपने हिसाब से, और जाके हम टीचर को कंप्लेन कर पाएंगे, बता पाएंगे कि आपका ये नहीं हो रहा, ये पढ़ाई था, ये सिलेबस होना चाहिए था, ये नहीं हो रहा है स्कूल में, तो इसका कारण क्या है, वो हम समझ पाएंगे स्कूल में जाके। इसीलिए हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही लगाना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय झंडा में कितने रंग हैं? राष्ट्रीय झंडा में चार रंग हैं। चार रंग हैं, कौन कौन सा रंग है? सैफ्रन, हिंदी में उतना नहीं आता, सैफ्रन, वाइट, ग्रीन और नेवी ब्लू। ये नेवी ब्लू कहाँ पाए जाते हैं? वो जो चक्र है, चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं? 24 होते हैं। चक्र किसका प्रतीक है? चक्र, सोचिए आराम से, कोई ये चक्र घूमता रहता है, एक व्हील है, नहीं, चक्र वो, है। हाँ, वही चक्र है, वो जो क्या बोलते हैं, गांधी जी का जो चरखा था। किसका प्रतीक, किसका प्रतीक है वो चक्र? को वो समय का प्रतीक, समय का प्रतीक है। अच्छा अच्छा, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम, हाँ जी, ट्विन प्राइम वो नंबर होता है जो ट्विन प्राइम, ठीक बताते हैं। अच्छा, एक रे में कितना एंड पॉइंट होता है? रे मतलब रश्मि, हाँ जी, किरण, हाँ जी, उसमें कितना एंड पॉइंट होता है? रे में तो इन्फिनिट एंड पॉइंट होना चाहिए, नहीं तो फिर जीरो एंड पॉइंट होगा। अच्छा, सिलेंडर समझते हैं? हाँ जी बिल्कुल। उसमें कितना वर्टेक्स होता है सिलेंडर में? एक सिलेंडर में कितना वर्टेक्स होता है? सिलेंडर में 2-3-4 वर्टेक्स होता है। अच्छा सर, आपको हिंदी आती है ठीक से? हिंदी सर थोड़ा बहुत। तो आप बच्चों को, मतलब आपका हिंदी मीडियम के लिए आप अप्लाई किए हैं? हाँ जी। तो कम से कम जो बेस भाषा है आपका, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो उसको तो आना चाहिए आपको। नहीं, ऐसा है कि ज़्यादातर मेरा एजुकेशन जो हुआ नेपाली में हुआ, सेकेंडरी जो एजुकेशन था, तो फिर हायर में जो हुआ वो हिंदी में हुआ। हिंदी में हुआ, तो इसीलिए हायर में खाली 2 साल ही हमको हिंदी पढ़ने का मौका मिला। जी, किससे मिला आपको मौका 2 साल पढ़ने में? मतलब आप HS में मिला आपको ना ग्रेजुएशन में मिला? HS में मिला। HS में मिला, HS में आपको 2 साल करने का मौका मिला, कुछ तो सीखे होंगे ना? जी हाँ जी, कुछ तो सीखे होंगे। भाषा किसे कहते हैं ये बताइए तो? भाषा जो हम अनुवाद करते हैं, जो हम बोलते हैं, उसको भाषा बोलते हैं। जैसे कितने प्रकार के, मतलब कितने तरह से अपने मन के भावों को दूसरे तक पहुँचा सकते हैं, कितने तरीके से? भाषा का रूप क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? भाषा 3 प्रकार के होते हैं। एक बोलना, बोलना, एक लिखना, और एक पता नहीं, शायद पढ़ना, शायद हो सकता है। ठीक है। स्वर कितने हैं हिंदी में? हिंदी में स्वर आपका 11, हिंदी में स्वर 11 होना। पक्का? पक्का, 11 है। आप ये बताइए उसको, स्वर कितने तरह के होते हैं? स्वर 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं, बताइए तो कौन कौन से? एक तो हर्षस्वर,
ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक ये जो प्लुत स्वर, प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर है। अच्छा प्लुत स्वर होता क्या है फिर? प्लुत स्वर में जो शब्द आप एक लंबा तान मिलता है सर, उसको प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे कि ओम हो गया, ये प्लुत स्वर हो गया, राम हो गया, ये प्लुत स्वर हो गया। ठीक है, आपको कारक वगैरह कुछ मालूम है? नहीं मालूम है। ओके थैंक यू। अच्छा मान लीजिए बच्चों को बताना है कि छह आदमी खड़ा है, छह आदमी कितने तरह से खड़ा होता है? प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में खड़ा होगा, छह आदमी को आप कितने तरह से खड़ा करके दिखा सकते हैं? बच्चों को समझाना है तो बोर्ड पे आप करके दिखाइए, छह आदमी को खड़ा कर देना है। तीन तीन को हम भाग कर सकते हैं, छह आदमी को खड़ा करने के लिए। दूसरा हो गया, दो दो को हम लेके तीन लाइन में भाग कर सकते हैं छह आदमी को खड़ा करने के लिए। उसके उपरोक्त अगर हम छह आदमी को खड़ा करना है तो अच्छा आप एक अक्षर लिखिए वहाँ पे क, ठीक है, थोड़ा नीचे लिखिए, नीचे लिखिए थोड़ा सा, हाँ क। तो ये एक वर्ण है, मैं चाहता हूँ कि आप इस जो वर्ण है क, इसका वर्ण विच्छेद करें, कितने और वर्णों से ये मिलके बना है, बच्चों को समझाना होगा। हाँ जी, एक्चुअली जो विषेद होता है, विषेद में जो हम सपने हम मुंह से बोलते हैं क, क में दो भाग मिलकर बनाया जाता है, जो एक होता है क और दूसरा होता है अ, सॉरी क और अ जोड़ते क होता है, जैसे ख और अ जोड़ के ख होता है, तो इसीलिए क प्लस अ होता है आपका क। तो आपने, मैंने क दिया था, आपने अ के पहले भी क ही लिखा है, तो क और क दोनों तो एक ही हो गया, तो फिर आपने सेपरेट किसको किया? चलिए ठीक है। अच्छा एक वर्ड लिखिए वहाँ पे, मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, आप लिखिए पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी। आप बता सकते हैं कि संज्ञा के किस भेद में ये आता है, नाउन का कौन सा पार्ट में ये आता है? पांच तरह के नाउन है ना, किस पार्ट का ये है? पॉवर्टी ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जो हम अपने जो भावना है, भावना को जो व्यक्त करते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। टेंस के बारे में आप जानते हैं? हाँ जी। तो कितने तरह के टेंस होते हैं? टेंस होता है तीन तरह का मेनली। हाँ नाम बताइए। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस से कितने पार्ट हैं? प्रत्येक टेंस से पांच पांच भाग हो सकते हैं। प्रत्येक टेंस के पांच पांच भाग हैं। अच्छा तो कुल कितने हो गए? 15। श्योर? आर यू श्योर? प्रत्येक टेंस के पांच भाग हैं। ओके प्लीज। Thank you very much. Thank you. Sir. Thank you. Sir. Thank you.